डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भी माइक्रोब्स की हेल्प से बायोगैस कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में एक बात समझ लीजिए कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स जब ग्रोथ करते हैं, जब मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो वो अलग अलग तरह के एंड प्रोडक्ट सीक्रिएट करते हैं। सो ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट। जैसे हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारी बॉडी किस तरह के एंड प्रोडक्ट सीक्रेट करती है, हम स्वेट सीक्रेट करते हैं यानी कि पसीना, यूरिन सीक्रेट करते हैं, फीसिस सीक्रेट करते हैं, तो सो वो हमारी बॉडी के एंड प्रोडक्ट हैं। तो बैक्टीरिया जब ग्रोथ करता है, जब मेटाबॉलिज्म करता है, तो वो जो एंड प्रोडक्ट सीक्रेट करता है उसमें अलग अलग तरह की गैसेज इंक्लूड होती हैं। अब कौन सी गैस होगी, टाइप ऑफ गैस जो है ये डिपेंड करता है कि माइक्रोब कौन सा है। टाइप ऑफ गैस, भाई कौन सी गैस वो माइक्रोब सीक्रेट करेगा मेटाबॉलिज्म के बाद में, ये डिपेंड करता है पहली बात तो कि माइक्रोब कौन सा है, टाइप ऑफ माइक्रोब क्या है, और दूसरी बात कि वो किस तरह के ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर रहा है। तो इन दो बातों पे निर्भर करेगा कि किस तरह की गैस प्रोड्यूस होगी, माइक्रोब कौन सा है, ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है। उसके बाद बात करते हैं एक खास तरह के बैक्टीरिया की जिसको बोलते हैं मिथेनोजेंस। देखिए, मिथेनोजेंस नाम से ही पता चल रहा है, मिथेनोजन यानी कि मिथेन जनरेट करने वाले बैक्टीरिया। तो मिथेनोजेंस के बारे में दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये बैक्टीरिया है, दूसरी बात कि जो ये बैक्टीरिया है ये एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो करता है, सो इट ग्रोज एनएरोबिकली, मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह एब्सेंट होती है वहाँ पे ये ग्रो करता है एनएरोबिकली। और तीसरी बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि ये कुछ अलग कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मीथेन जो कि मुख्य गैस है, इसके अलावा मीथेन के अलावा ये CO2 और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। मीथेन गैस मुख्य गैस है ये ध्यान रखना आपको, और CO2 और हाइड्रोजन भी ये प्रोड्यूस करता है। तो मिथेनोजन में कई तरह के बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, जिसमें से आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। मिथेनोजन कैटेगरी का एक बैक्टीरिया मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनो बैक्टीरियम। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो मिथेनो बैक्टीरियम है ये किस किस लोकेशन पे पाए जाते हैं। सो व्हाट इज द लोकेशन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो मिथेनो बैक्टीरियम है मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, मार्शी एरिया यानी कि जो दलदली एरिया होता है उसे बोलते हैं। इसके अलावा सीवेज प्लांट्स मैं आपको करवा चुका हूँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज प्लांट्स में मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी, स्लज डाइजेस्टर। सो सीवेज प्लांट के अंदर जो स्लज डाइजेस्टर होते हैं अंडरग्राउंड, स्लज डाइजेस्टर्स, उन स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर एनएरोबिक कंडीशन होती है तो वहाँ भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि रूमेन ऑफ कैटल में ये पाए जाते हैं, रूमेन ऑफ कैटल। सो देखिए, कैटल मतलब जो गाय भैंस बकरी है, ये कैटल की कैटेगरी में आते हैं। सो इनके अंदर एक स्टमक के साथ एक और पार्ट होता है जिसे बोलते हैं रूमन, और समटाइम्स रूमन इज आल्सो कॉल्ड पार्ट ऑफ स्टमक। तो रूमन के अंदर, इन रूमन, अब देखिए जो गाय भैंस है हमें पता है कि वो जो चारा खाते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है, तो रूमन के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं और वहां पे क्या करते हैं, सेल्यूलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, सो
रूमन के अंदर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया डाइजेस्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट, ये मैं प्रेजेंट ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में, प्रेजेंट इन देयर फूड, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, क्योंकि उन्होंने फूड के अंदर जो सेल्यूलोज प्रेजेंट था उसको डाइजेस्ट किया है, तो यानी कि उनके फूड के अंदर वो बैक्टीरिया मिक्स हो चुका है, तो यानी कि जो गाय भैंस होती है जब वो डंग सीक्रेट करेगी, यानी कि जब वो गोबर वगैरह करेगी, तो उसके गोबर के अंदर भी, कैटल का जो डंग होगा उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो देखिए लिखते हैं आगे, सो कैटल्स डंग इज ऑल्सो रिच इन मिथेनोजन्स, भाई उनके डंग के अंदर, उनके गोबर के अंदर भी मिथेनोजन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनके रूमन के अंदर प्रेजेंट थे, तो रूमन से में वहाँ पे वो क्या करते थे, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर रहे थे, उसके बाद वो डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड जब इन द फॉर्म ऑफ डंग बॉडी से बाहर निकलता है तो बहुत सारे मिथेनोजन उसके अंदर भी होते हैं। तो क्योंकि डंग के अंदर मिथेनोजन प्रेजेंट है, गाय के गोबर के अंदर, गाय भैंस के गोबर के अंदर मिथेनोजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम उनके गोबर को यूज़ कर सकते हैं गोबर गैस बनाने के लिए। गोबर गैस को बच्चों बायोगैस भी बोलते हैं। सो यूज्ड टू प्रोड्यूस गोबर गैस, और गोबर गैस को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम मैंने बताया बायोगैस भी बोलते हैं बच्चों इसको, और कौन से बायो गैस। और बायोगैस के अंदर जो मुख्य गैस होती है, मैं बहुत बार बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो होती है मीथेन CH4, दिस इज द मेजर गैस। अब बच्चों देखिए, एक बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। बायोगैस प्लांट, आजकल बायोगैस प्लांट जगह जगह लगाने लग गए हैं, काफ़ी गांव के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि गांव के अंदर गाय भैंस ज़्यादा रखी जाती है तो वहां पे डंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो गांव में इजीली बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है और बायोगैस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि जो बायोगैस है वो एक तरह के इन्फ्लामेबल गैस है, मीथेन जो है वो इन्फ्लामेबल गैस है, तो इसको बिजली के मतलब लाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर पे खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए गांव के अंदर इसको बनाना भी इजी है, यूटिलाइज भी करना भी इजी है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक टैंक होता है, दिस इज़ अ टैंक, एक कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है, और ये जो कंक्रीट का टैंक है ये रहता है और अराउंड 10 टू 15 फिट डीप, 10 से 15 फिट गहरा एक टैंक बनाया जाता है। अब क्या करते हैं, इस टैंक को मान लीजिए दिस इज़ द सॉयल सरफेस, ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड है, उसके बाद में इसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे टैंक के साथ में, यहाँ पे एक और टैंक है लाइक दिस,
उसके बाद में एक तीसरा टैंक और रहता है सेपरेट, लाइक दिस। तो यहाँ पे तीन टैंक दिखाई है बच्चों आपने। सबसे पहले देखो बात करते हैं फर्स्ट टैंक के बारे में। फर्स्ट टैंक के अंदर क्या करते हैं, जो भी गाय का गोबर वगैरह होगा या जो सलरी वगैरह होगी, बायो वेस्ट होगा, वो सारा का सारा इस फर्स्ट टैंक में डाला जाता है। तो देखिए क्या क्या, एक तो बायो वेस्ट, बायो वेस्ट, और जो डंग होता है यू कैन से एंड डंक, वो इस फर्स्ट टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। अब इस फर्स्ट टैंक के अंदर डालने के बाद मान लीजिए ये वो डाल दिया यहाँ पे, नाउ इट विल मूव थ्रू हियर एंड गोज अप टू दिस टैंक। तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बिल्कुल एन एरोबिक कंडीशन होती है इस टैंक के अंदर, टोटली एन एरोबिक कंडीशन। और इसीलिए इस टैंक के अंदर कुछ खास तरह के बैक्टीरिया रहते हैं दैट आर एन एरोबिक बैक्टीरिया। पहली बात तो यहाँ इस जो डंग था, डंग यानी कि गोबर, उसके अंदर ऑलरेडी मिथेनोजन बैक्टीरिया जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है, और यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन है तो ये मिथेनोजन्स इजीली ग्रो कर जाएंगे। सो दीज आर मिथेनोजन्स, मिथेनोजन किसके अंदर प्रेजेंट है, गोबर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे। सो यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन है तो ये मिथेनोजन इजीली ग्रो कर जाएंगे, मिथेनो जंस, और ये क्या करेंगे इस ऑर्गेनिक मैटर को, जो ये गोबर वगैरह है ऑर्गेनिक मैटर है, इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे इसको डाइजेस्ट करेंगे, इसको मेटाबोलाइज करेंगे, तो उसके मेटाबोलिज्म से अलग अलग तरह की गैसेज प्रोड्यूस होंगी, जिनमें जो मेन गैस रहती है वो होती है मिथेन गैस, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ऊपर एक पोर्ट लगा होता है लाइक दिस, ऐसे। सो इस पोर्ट से जो गैसेस यहां से अराइज होगी उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो मेन गैस होती है वो होती है मीथेन गैस CH4। फिर उसको आगे एक्चुअली में कई बार तो क्या करते हैं, इसको सप्लाई कर दिया जाता है अलग अलग घरों में, क्योंकि मीथेन गैस ज्वलनशील गैस है, तो इसको सप्लाई कर देते हैं और फिर इसको यूज़ कर लिया जाता है। अब ये जो बाकी का बच जाएगा, जब ये सारा का सारा बैक्टीरिया, जो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा, इसको डाइजेस्ट कर चुके होंगे, तो उसके बाद जो ये अनवांटेड जो ऑर्गेनिक मैटर बच गया, डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर जो बच गया, उसका क्या होगा? उसके बाद इस डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर को, इस डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाएगा, एक अलग से टैंक में ले लिया जाएगा, इस दूसरे टैंक में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस टैंक के अंदर ये क्या है, दिस इज स्लज, और यू कैन से डाइजेस्टेड स्लज, ओके। अब इस स्लज को भी फेंका नहीं जाता, इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, इसको खेतों में छिड़क देते हैं जहाँ पे ये खाद का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो दिस स्लज एक्ट एज अ फर्टिलाइजर, देखिए कितना बढ़िया तरीके से बायोगैस प्लांट का यूज़ किया जाता है। तो ये जो इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है बट इतना इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इससे जो एलपीजी का खर्चा है वो भी बच जाता है, और गांव के अंदर तो गोबर वगैरह बहुत होता है, तो एलपीजी का इतना महंगा जो सिलेंडर आता है उसके बजाय अगर बायोगैस को यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा बचाया जा सकता है, और साथ में ये जो डंग वगैरह है इसको भी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सो इंडिया के अंदर बायोगैस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले दो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। सो लेट मी राइट, बायोगैस टेक्नोलॉजी को जो इंट्रोड्यूस करने वाले दो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक का नाम है IARI, वन इज IARI, और दूसरा है KVIC. IARI स्टैंड्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो लेट मी राइट इट, इंडियन
एग्रीकल्चर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा केवीआईसी। केवीआईसी की फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडस्ट्रियल कमीशन। तो ये जो दो इंस्टीट्यूट है IARI और KVIC, इन दोनों ने मिलकर बायोगैस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो बहुत एक अच्छा काम किया इन्होंने। बहुत खर्चा बचा सकते हैं किसान अपना, और साथ में खेतों का भी सुधार कर सकते हैं। सो ये है बच्चों बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में, और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इस प्लांट के बारे में पूछा जाता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन, भाई मेन गैस कौन सी होती है, मिथेन गैस होती है, मिथेन गैस का को क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, बायोगैस का दूसरा नाम क्या है, गोबर गैस है। बायोगैस टेक्नोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस किया, IARI और KVIC ने इंट्रोड्यूस किया। कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया यूज़ होता है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।